हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं योगा टीचर रवि भारद्वाज पिछले 5 सालों से चाइना में हूं और चाइना के छांगचुन शहर में मैं रहता हूं। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक टॉपिक पर जो कि बहुत ही आई थिंक ज़रूरी है और बहुत सारे मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं। लोग पूछते हैं कि रवि भाई, चाइना में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स, मेन बात है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। जॉब कई बार मिल भी जाती है तो डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास पूरे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं पहले, सबसे पहली बात कि किसी भी देश में जाने के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत क्राउडेड एरिया है तो मुझे थोड़ा संभल के चलना पड़ता है और इस एरिया में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है, फॉरनर्स काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है। आप देख पाएंगे हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था आपसे, टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ पे जो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं चाइना में रहता हूँ तो जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मेन जो डॉक्यूमेंट है भाई, पहले तो पासपोर्ट, दूसरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको हम PCC भी कहते हैं, और ये PCC आपको मिलती है जहाँ से आपको पासपोर्ट मिलता है वहीं से। आई थिंक 500 रुपये फीस लगती है उसकी और आपको वो PCC मिल जाती है। उसके बाद आता है आपकी ग्रेजुएशन। अब किसी भी देश के अपने रूल होते हैं कि आपको जो है ये वाली आपकी जो ग्रेजुएशन है या कोई सी डिग्री डिप्लोमा है तभी आपको वीज़ा देंगे। तो चाइना में रिक्वायरमेंट है आपका कॉलेज लाइफ जो है वो पूरी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए डिग्री, ठीक है दोस्तों। डिग्री पूरी करने के बाद आपके पास जो है जिस काम में आप माहिर हैं, जो काम आप करते हैं, ठीक है, उस चीज़ की आपके पास जो है डिप्लोमा आपके पास उसका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मुंह से बोलते हैं कि मैं जो है योगा टीचर हूँ या इंग्लिश टीचर हूँ या मेरी इंग्लिश अच्छी है, मुझे जॉब दे दो, तो ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर ऑनलाइन पे आपके डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। पहला पासपोर्ट, दूसरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तीसरा आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए और चौथा आपका जिस चीज़ में आप माहिर हैं, जो काम आप करते हैं उसका डिप्लोमा। पांचवें नंबर पे आता है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या वर्क एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हैं, आप जो काम करते हैं उसका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो आप डिप्लोमा किया उसके बाद का एक्सपीरियंस लगता है। और दोस्त, कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं रवि भाई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? तो भैया, ये वहीं से बनता है जहाँ पे आप 2 साल तक काम करोगे, वही कंपनी आपको जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी। भाई आज तो वीकेंड पे यहाँ पे बहुत भीड़ है, एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी भीड़ रहती ही है, भीड़ तो हमेशा रहती है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इनकी। सो फ्रेंड्स, आपको बोल दिया मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद का जो काम है ये आपकी जो चाइना में जो कंपनी आपको बुला रही है वो करेगी, आपका जो बॉडी चेकअप है, ठीक है, उसके लिए अलग से आपका जो बॉडी चेकअप होता है तो वो आपका चाइना में हो जाएगा। इंडिया में आप करवा के आ सकते हो, कई बार कोई कंपनी कहती है कि आपको इंडिया से करवा के आना पड़ेगा, तो इंडिया से करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको चाइना में तो करवाना ही पड़ेगा। और किसी भी काम से आप चाइना में आ रहे हैं दोस्तों, एक बात याद रखें कि अगर कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा के लिए काम देती है, वर्क वीज़ा देती है तो ही चाइना आओ। आपको अगर वर्क वीज़ा नहीं देती तो चाइना मत आओ भाई, आपका करियर पूरा ख़राब हो सकता है। बिकॉज इन 5 सालों में मैंने देखा है कई इंडियन लोगों को, कई इंडियन नहीं फॉरनर्स को भी डिपोर्ट कर दिया गया है। आपको पूरी लाइफ आप कभी भी चाइना तो आ ही नहीं सकते, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे देश में भी नहीं जा पाओ। तो और कई लोग तो यहाँ पे बता सकता हूँ, हिमाचल से भी एक लड़की थी जो मेरे जानने में, वो भी 15 दिन जेल में रही है क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा पे वो चाइना आई थी, उसने काम किया, जब वो पकड़े गए तो उनको 15 दिन जेल में रखा और 2-4 लाख रुपया फ़ाइन लगता है वो भी लगा। तो और अब वो चाइना कभी लाइफ टाइम आई थिंक नहीं आ सकती है। तो ऐसे कई इंडियन के साथ हो चुका है, तो आप लोग ये ध्यान रखें। और कई लड़के यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि भैया शादी वाले वीज़ा पे काम कर सकते हैं?
तो शादी वाले, शादी मेरी भी चाइना में हुई है दोस्तों, पर शादी वाले वीज़ा पे आप चाइना में काम नहीं कर सकते, कोई भी वीज़ा पे काम नहीं कर सकते, सिर्फ जेड वीज़ा मतलब आपका जो वर्क वीज़ा है उसी पे काम आप चाइना में कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, आप जो है चाइना में जो है ड्राइविंग का काम नहीं कर सकते हैं, प्लम्बर का काम नहीं कर सकते, मिस्त्री मजदूरी का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या खुद ही बहुत ज़्यादा है, ये सारे काम जो है ये खुद करते हैं। आपको ये वही काम देंगे जो ये नहीं कर सकते हैं, जैसे इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है तो इंग्लिश टीचर और योगा टीचर इनको चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहिए। तो अब आप बोलेंगे रवि भाई जॉब कैसे ढूंढे हम, ठीक है, आप बोलेंगे कि हमें जॉब कैसे मिलेगी यहाँ पे। तो भाई जॉब का ऐसा है, आई थिंक वॉइस थोड़ी ख़राब हो जाएगी, माइक लगाया हो मैंने, आप बोलोगे कि जॉब कैसे मिलेगी, तो जॉब के लिए भाई ऐसा है, आपको या तो आपके जानने वाला कोई चाइना में हो जो आपको कोई इंट्रोड्यूस करवा दे कंपनी, ठीक है, डायरेक्ट आपकी कंपनी से बात करवा दे, और या तो फिर ऐसा हो कि आप इंटरनेट पे जो चाइना की बड़ी कंपनी है जिस काम को आप करते हैं, अगर आप योगा टीचर हैं तो ऐसी कंपनी को सर्च करो कि योगा इन चाइना, योगा जॉब्स इन चाइना, तो अपना रिज्यूम आपको चाहिए वो डाल दो उस पर, तो हो सकता जॉब मिल जाए, और या तो फिर एजेंट के थ्रू, पर एजेंट जो है यार बहुत ठग भी होते हैं, पैसा ले लेते हैं उसके बाद आपको जो है जॉब वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं ढंग से पैसा लेने के बाद, तो हो सकता है कभी कभी आपको दिक्कत भी हो सकती है। भाई आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है यार, इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, पर ये पूरा दिन जो है काम बहुत मेहनत से काम करते हैं रोड पे, दिन में आपको भीड़ नहीं दिखेगी, शाम के टाइम पे आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखेगी, आप भी परेशान हो जाओगे इन्हें देख देख के। हेलो 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 हेलो, थैंक यू, ये लड़कियाँ पागल है भाई, मैं तो जानता भी नहीं, सभी कह रही हेलो हेलो वेलकम टू चाइना। ये सारी इलेक्ट्रिकल बसें हैं दोस्तों, बिजली से चलती हैं, ग्रीन पट्टी वाली, आप देखेंगे इसके अंदर कोई साउंड नहीं है, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली, ये बहुत इन्होंने डेवलप कर लिया यार, इन्होंने बाइक स्कूटर ये सब इलेक्ट्रिकल कर दिए हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने जो है गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल कर दिए, तेल का तो झंझट ही ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, नो पोल्यूशन, और साथ ही साथ जो है तेल का भी खर्चा बच रहा है, लाइट ये सोलर से बना रहे हैं, ये बड़ा मतलब इनका देश को अमीर होने का इनका जो है ना मेन रीज़न वही आई थिंक। तो दोस्तों मैंने आज आपको वर्क वीज़ा का प्रोसेस बता दिया है, जॉब अप्लाई करने के लिए कैसे करना है, मेन बात है आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको कोई जानने वाला है चाइना में और आपके फील्ड से रिलेटेड है तभी, अब मैं योगा टीचर हूँ आप बोलो रवि भाई मुझे कोई कुक की जॉब दिला दो, शेफ़ की जॉब, तो बहुत मुश्किल होता है यार, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में जो योगा टीचर, योगा कंपनियाँ ये सब हैं, तो और प्लम्बर मिस्त्री मजदूरी का काम जो है ये वाला काम, ड्राइविंग का, ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इंडियन योगा इंडियन को नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया, कोई भी कंपनी अगर आपको बोलती है कि आपको हम 50,000 रुपये देंगे तो चाइना आ जाओ जॉब के लिए, 50,000 मत सुनो दोस्त, क्योंकि 50,000 चाइना में कुछ भी नहीं होता है, आपका बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत फंसोगे, और सैलरी आपकी 1-2 साल तक बढ़ेगी नहीं, फिर बढ़ेगी भी तो 55,000 करेंगे, 60 करेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा, सुनने में बहुत लगता है 50,000 रुपया, लेकिन बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, कम से कम 1,00,000 रुपया अगर कोई भी कंपनी आपको देती है, और उसके बाद आपका खाने का, रहने का और एयर टिकट फ्लाइट का देती है कोई कंपनी, तो ही चाइना आपको आना है, अदरवाइज आप बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फंस सकते हो। सफाई का तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे फुटपाथ पे भी ऐसा ही है, रोड पे भी ऐसा ही, बिल्कुल साफ है। तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी वीडियो में, कि चाइना में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें, और अपना जो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब जो है मेरे लिए आशीर्वाद का काम करता है, तो छोटे भाई को आशीर्वाद देने में कमी नहीं छोड़नी है, जो भी वीडियो देख रहा है अपना भाई दोस्त यार जो भी समझ के, एक सब्सक्राइब तो जरूर करना है भाई, ठीक है, आपका उसके लिए मैं एडवांस में धन्यवाद कर देता हूँ। दोस्तों मिलेंगे कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।